जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, ताकि आपको हमेशा नई जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीवन का सच क्या है। बहुत से लोगों के मन में अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग बातें हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग बातें करते हैं, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं आपसे वो शेयर करूँगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से हम जब गर्भ में होते हैं, या बहुत सी जगह मैंने पढ़ा भी है इस बात को लेकर, तब हम ईश्वर से यातनाएँ करते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे इस जमीन पर उतारें, इस दुनिया में उतारें, मैं आपका स्मरण करूँगा, आपका नाम लूँगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पर जन्म लेते हैं, तो जो माइंड है हमारा, जो हमारी मेमोरी है, वो पूरी जीरो हो जाती है। जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ की मोह माया में सभी चीज़ों में उलझ जाते हैं और ईश्वर को भूलकर, ईश्वर को छोड़कर सभी काम करते हैं। तो बेसिक पॉइंट ये है कि ईश्वर स्मरण, ईश्वर का नाम, उसका गुणगान, उसकी भक्ति, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें भाव रखना, श्रद्धा रखना, क्योंकि अगर आप ईश्वर में श्रद्धा रखेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, तो आपको वो सभी चीज़ें मिलेगी जो चीज़ें आपने कल्पना भी नहीं की है। दूसरी बात है, मोक्ष की बात आती है। बहुत से लोगों का मोक्ष पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि मोक्ष क्या है, अच्छे कर्म क्या है, और ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती है। मोक्ष दरअसल, अगर आप एक अच्छा मानव हैं, एक अच्छा मानव हो जो सबके प्रति, जो गीता में लिखा है कि आपकी जो नज़रिया है वो सबके प्रति समान होना चाहिए, कोई राग द्वेष नहीं होना चाहिए, ये भाव में आना आज के मानव के लिए बहुत कठिन है। और मुझे लगता है कि अगर उस भाव में आप आते हैं, तो वही मोक्ष का, वही सच्चा मोक्ष है, उसी की उसे ही हम मोक्ष कह पाएंगे, क्योंकि यह भाव आना हर व्यक्ति में असंभव सा है। उसके लिए बहुत से यत्न, बहुत से प्रयत्न किए जाते हैं। तो अब हम इन सभी इतने सारे कठिन रास्तों को तो हम नहीं, क्योंकि अब हमें बहुत देर हो चुकी है। हमारा बेस जो है वो आधुनिकता का बेस है। हम सुबह बहुत लेट उठते हैं, हम झूठ भी बहुत सा बोल चुके हैं। अब हमारा बेस शून्य है। अब हम क्या करें, मतलब अब रास्ता यहाँ से क्या हो सकता है, हम उस पर बात करें। अब यहाँ से रास्ता ये हो सकता है कि आप जितना ईश्वर भगवान का नाम लेंगे, स्मरण करेंगे, जितने पुण्य काम आप कर सकते हैं, जितने चेहरों पर आप खुशी ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप गरीब हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास संसाधन नहीं है, इन चीज़ों का, संसाधनों का होना या ना होना विषय अलग है। अगर आप में क्षमता है, अगर आप में क्षमता है किसी की सही मदद करने के लिए, तो आप किसी को सही राय देकर भी उसकी मदद कर सकते हैं। तो पहली बात है, आप लोगों की मदद करें, जितने लोगों के चेहरे पर आप खुशी ला सकते हैं वो कोशिश आप करते रहें। दूसरी बात है ईश्वर का स्मरण। आप जितना भगवान का नाम लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उठते बैठते खाते पीते, अगर आप इन चीज़ों स्मरण ईश्वर का करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आध्यात्मिक शक्तियाँ जो हैं वो आपके इर्द गिर्द होंगी, और आप पाएंगे कि आपने जो कभी नहीं सोचा वो सिर्फ चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती होगी। तो आप इस चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दें, इन चीज़ों को आप करेंगे, मुझे यकीन है। और अगर आप इन चीज़ों को करते हैं दोस्तों, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपकी हर परेशानी, हर समस्या को आपको जवाब मिलेगा, और आप इस चीज़ को करते रहे, तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी आपकी राय हो, आप कमेंट्स में खुलकर लिख सकते हैं, कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।